हमारे मन से हर दिन 365 दिन अगर हम नारी का सम्मान करें तो वो है मेरे लिए महिला दिवस। नारी आप महान हो, आपके लिए कोटेशन है जो हम लोगों ने बीए ऑनर्स में पढ़ा था। नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नम पग तल में, क्यों स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर क्षमता। पुरुष का साथ साथ महिलाएं का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के बचाने के लिए, पहले भी इतिहास में है और आज भी। आप लोग आगे आइए और अपना परिवार को, घर को, सबको शिक्षा दीक्षा दीजिए, बच्चों का शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, संस्कार सिखाइए, सब बच्चे संस्कार में रहे। हम लोग पथ भटक रहे हैं, ये सब आप लोगों की काम है। महिला दिवस या रिस्पेक्ट दिवस एक दिन नहीं होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के गुरुमबस्ती क्षेत्र में, जहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है सिलीगुड़ी क्षेत्र में। आज मेरे पीछे का माहौल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज है महिला दिवस। तो इस अवसर पर जो है यहाँ पे छोटी मोटी जो है कार्यक्रम जो सिलीगुड़ी में आपको दिखाते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सुबह से आपको हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आज महिला दिवस का आयोजन सिलीगुड़ी वासियों ने किया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर में भी किया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज हुआ और क्या कहने चाहते हैं वो आज महिला दिवस के अवसर पर। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में, आज महिला दिवस है? एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अपना जो फीलिंग जो होता है ना, फीलिंग प्रकट करने का तो कभी मौका मिलता नहीं है, तो महिला या वुमेन्स के लेके जो आज का जो दिन मिला है, इस दिन में क्या है कि एक छोटा सा टोकन ऑफ लव था ये जो देने का हम लोग कोशिश किए। और क्या है कि बहुत बात उठा यहाँ कि क्या है ना कि महिला दिवस या रिस्पेक्ट दिवस एक दिन नहीं होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। तो महिलाओं का इज्जत 365 दिन ही हम लोग कह रहे हैं। तो आज क्या था कि महिला दिवस के ऊपर में, वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही हम लोग सिम मंदिर प्रोग्रेसिव क्लब के तरफ से, लाइन्स क्लब के तरफ से एक छोटा सा हम लोग आज प्रोग्राम रखे थे, जो प्रोग्राम को क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग का सिम मंदिर कमेटी भी है, जिनका वर्किंग प्रेसिडेंट विजय जायसवाल जी हो गए, या फाउंडर मेंबर गणेश त्रिपाठी चाचा जी हो गए, उन लोग का भी और पूरा मंदिर प्रांगण का भी पूरा ही सपोर्ट रहा इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये प्रोग्राम को हम लोग आज अंजाम दिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस तरह का आज प्रोग्राम हुआ है। और हर एक साल हम लोग इस तरह का और प्रोग्राम करें, और जो लेडीज लोग जो हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, चाहे हर फील्ड में हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में वो लोग आगे नहीं बढ़ रही है। और हमारे पीछे जितनी भी लेडीज है ना, हर फील्ड से बिलोंग करती है, कोई पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही संभाल रही है, कोई पूरा मीडिया को ही संभाल रही है, कोई पूरा पीजी संभाल रही है, तो कोई पूरा केएफसी को संभाल रही है। तो इस तरह का सेक्टर से सभी को आई है, और हम लोग को खुशी लगा कि हर सेक्टर का यहाँ पे जो महिला है हर सेक्टर से बिलोंग करती है। कुछ सोशल एक्टिविटीज है जिन लोगों को देखते हैं कि गरीब बच्चों से लेके समाज से लेके हर के लिए कुछ करती है। कुछ है जो मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, जो मेडिकल के लिए किसी को ब्लड देना हो, कोई सहायता देना हो, कोई बच्चे को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो, किसी को किताब चाहिए तो अपना सैलरी का पूरा खर्चा किताब में ही दे देती है, ऐसी भी हमारे पीछे में। तो जिनको कभी भी हम लोग को सम्मानित करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो ये छोटा सा मौका मिला तो इसको इम्प्रेस करते वक्त हम लोग कैसे पीछे हट रहते, तो इसको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग दोनों शोरों से भीड़ के और इसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसको अंजाम दिया गया। प्रोग्राम 6 बजे का टाइमिंग था, 6:30 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ। महिलाओं से बातचीत करके देखते हैं उनका क्या कहना है इस महिला दिवस पर। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रेखा रॉय हुआ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक एनजीओ चला रही हूँ जिसका नाम है कोशिश एक नई पहल। तो आज मैंने फर्स्ट मतलब कि मैंने कब से सोच के रखा था, 1 महीना पहले से ही, कि मैं उस लेडीज़ को भी आज सम्मानित की हूँ जो किसी के घर में काम करती है, सब्जी का दुकान में काम कर रही है, चाय का दुकान में काम कर रही है, या छोटा छोटा टीचर का काम कर रही है, ट्यूशन पढ़ा रही है, क्योंकि वो लोग भी मेहनत कर रही है। तो उनको भी सम्मान करने का अवसर हम लोग आज मिला और हम लोग उसको भी सम्मान किए। साथ साथ मैंने करण भैया को भी बोला कि करण भैया आप एक प्रोग्राम कीजिए ताकि जो भी लेडीज आपके आसपास जो है उन लोग को बुलाइए और सम्मानित कीजिए।
तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग का दिन है और आप सब आते हैं, इस रिस्पेक्ट देते हैं, तो इससे हम लोग का पावर भी बढ़ता है और साथ में जोश मिलता है कि आगे चल के कुछ कर सके। बट लेडीज लोग को भी होना चाहिए कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेके और अपने संस्कार के साथ लाइफ में आगे बढ़े, और जितना आगे बढ़े कि फैमिली के सारे आप पे प्राउड फील करें और फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है, अगर बात करें हम लोग भारतीय नारी की, तो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, सभी फील्ड में वो आगे नजर आती है। अगर हम बात करें हवाई जहाज उड़ाने की, तो वो भी एक महिला उड़ा सकती है। किसी भी चीज में जो है पीछे नहीं रहती है, सभी में आगे रहती है। कोई भी काम अगर देखा जाए, ना छोटा होता है ना कोई काम बड़ा होता है, हर एक काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, जो कि आजकल महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। और महिलाओं को इस सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं जो है आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों का भी हाथ है उन्हें आगे बढ़ाने में। क्योंकि पहले के ज़माने में जो आप देखते थे कि किस प्रकार से जो है महिलाओं को दबाया जाता था, मगर आज के जो जनरेशन के पुरुष हैं वो महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो आगे बढ़े। बस ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे आर वॉइस न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।